अस्सलामु अलैकुम मैं हूं शेख ज़बारज़ा जावा आपका अपना एस्ट्रोलॉजर हमद सुनाहर रब् की दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजिटेरियस वीकली होरोस्कोप 23 जुलाई टू 5 अगस्त सजिटेरियस इस बार आपको आठ दिन की बजाय 15 दिन की जो है वो वीडियो दी जा रही है कुछ निजी मसूफियत की वजह से तो इस हफ्ते की जो अहम पेशरफ्तें हैं वो मैं आपके आगे रखूंगा और उनके इम्पैक्ट जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला जो पेशर रफ्त हो रही है वो ट्वेंटी थर्ड जुलाई को सुबह सन जो कि आपके जायचे के नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है आपके जायचे के एटथ हाउस में मौजूद है तो कुछ प्रॉब्लम्स का भाईस आपके लिए बन रहा था ये जायचे की आठवें घर से निकल के तो नवें घर में चला गया आप ही बुझ में आपके लिए बड़ी ही सादतों भरा टाइम जो है उसका आगाज़ हो गया स्पेशली वो लोग Uh, मैंने सही को पिछली बार जब ये uh, बुरछतान में आया था तो मैंने कहा था कि अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं कोई क्रिमिनल केसेस हैं या कोई प्रोसिक्यूशन का कोई मैटर है तो उसको पेंडिंग कीजिए अब आपके लिए फिर ये ओपन हो गया अब आपके लिए ये इज़्ज़त वकार का बास भी होगा और वो जो एक तलवार लटक रही थी कि गवर्नमेंट सेक्टर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए उसमें से आप निकल गए फिर आठवें घर में अगर सन हो स्परिचुल हवाले से और आपके लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली सही के लिए बेलमलिक सफ़र और सुसाल करब के साथ कुछ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है और कुछ जो है स्पोज़ की हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है तो ये इन तमाम चीज़ों से आप निकल गए अब मैं बात करता हूँ नावें घर में इसके आने से नावें घर में जब भी सन आता है और फिर अपने ही बुज में अगर आया है तो फिर ये आपके लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का जो कि स्पिरिचुअलिटी के हवाले से स्पेशली हो सकता है उसकी नवीद लेके आपका विज्म जो है वो डेवलप होगा आपका आपको अपना जेन जो है वो माशा पहले भी अच्छा है बट अब मज़ीद खुलता हुआ नजर आएगा आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई चीज़ आपको बोझ सा हट गया और आप आगे का सफ़र जो है वो कर सकें हायर एजुकेशन के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादात मुकदसा के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उम्र की सदत हासिल करना चाहें उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी काम के लिए वैसे तफरी के लिए भी जाना चाहें तो इस वक्त वीज़ा अप्लाई करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा किसी अच्छे साहिब इज्जत और स्परिचुअल आदमी से नेम फेम वाले आदमी से कोई अगले दिनों में आपकी कोई कन्वर्सेशन कोई मुलाकात जो है वो भी रहती हुई मुझे नजर आती है मरकरी यहीं पे मौजूद है डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी होगी पूरा हफ्ता यहीं पे मौजूद रहेगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम इंशाल्लाह जो है वो साबित होगा वालिद से अच्छे सपोर्ट मिल सकती है आपके जो सालिद वरब है उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप इसकी वजह से काफ़ी बेहतर रहेगा दोनों की वजह से दूसरी तरफ ट्वेंटी थर्ड को ही वीनस नाइन्थ हाउस में जो है ये रेट्रोगेट हो जाएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है जो आ, मैं समझता हूँ कि आ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एम्प्लॉयज़ हैं और आप कहीं बैरून मुल्क जॉब के, के असूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वीनस रेट्रोगेट होगा चार सेप्टेम्बर तक इसके अलावा ये आपके ग्यारहवें घर का लॉड है दो सबब से बरून मल्क सफ़र के हवाले से या जॉब के हवाले से आ, मदद लेना आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित नहीं होगा ये इसलिए बताया जाता है कि ऐसा ना हो कि आप सारा अपना ट्रस्ट या अपना जो रिले जो है उन्हीं के ऊपर रिलाई करके बैठ जाएं और अपनी कोशिश ना करें या आप किसी ऐसे ही दोस्त के कहने पे चुके अब आपको तो नहीं पता कि बिजनेस रेट्रोग्रेट हो गया पहले ये चीज़ बेनिफिशियल थी आपके लिए अब वही चीज़ रेट्रोग्रेट होने के लिए डिलेज़ में चले जाएंगे पेंडिंग होते चले जाएंगे मामला और ऐसा चार सितंबर तक रहेगा अपनी जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा वरना आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि अपने इंप्लॉयज़ पर नजर रखिएगा उनकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आ है डेली रूटीन्स की चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं इन चीज़ों के ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होगी इसके बचने के लिए बेहतर होगा कि हर जुमा को छः सौ ग्राम या छः किलो जितना भी आप अफोर्ड करते हो चीनी का सत्ता दीजिए किसी डिजर्विंग पर्सन को दें ये सबसे आपके लिए बेहतर है फिर अगली चीज़ आएगी जी मरकरी मरकरी जो है वो 29 जुलाई को यहाँ से निकल के आपके जायचे के दसवें और अपने ही शर्फी बुर्ज में जो है वो चला जाएगा इसका अपना बुर्ज भी है और यहीं पे इसको शर्फ भी है ये टाइम आपके लिए बहुत ही आइडियल जो है वो साबित हो सकता है आ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि शाकदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा नए एग्रीमेंट्स भी आपको मिल सकेंगे इंडिविजुअल में भी और शाकाहारी में भी दोनों नए एग्रीमेंट्स मिल सकेंगे आपको आप नेम फेम हासिल कर सकेंगे पिछले दिनों जो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की कोशिश की अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से आपने जो स्टडीज़ की जो नए आपने एरियाज़ डिस्कवर किए उनके ऊपर अब आपको काम करने का मौका मिलेगा नेम फेम भी मिलेगा और आप अपने कैरियर रोजगार में एक नई जिद्दत की तरफ लेके जाएंगे और ये सब कुछ आपकी बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से होगा शाखा की आपको ऑफर हो सकती है शाखा में इस वक्त काम करना बहुत अच्छा होगा बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी शाखा में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर की तरफ थोड़ी सी तोज्जो दीजिए उसको थोड़ा सा पुश अप कीजिए कैरियर के बारे से कुछ नई चीज़ें कुछ नई बातें वहाँ से आपको इस वक्त बड़े ही यूनिक किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो मिल सकेंगे जैसे कि मैंने कहा नया एग्रीमेंट्स भी हो सकता है अब यहाँ पे चूँकि मार्स भी मौजूद है और मार्स आपके जायचे के पाँचवें घर का हकम है बच्चों की वजह से भी आ, कुछ बेटरमेंट इसमें आपको मिल सकती है एक से जायद कामों की तरफ आपकी तवज्हो जो है ये बढ़ सकती है चूँकि ये आ, मार्स बारहवें घर का भी लॉर्ड है सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम का भी आ, आपको चांस मिल सकता है बैर मुल्क से स्पेशली कुछ मंगवाना जो है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो साबित हो सकता है मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा जो सुसली तमाम सेक्शन में आपके रिलेशनशिप में जो है वो बेटरमेंट मुझे नज़र आ रही है इसके बाद फुल मून होगा यकमिगस को ये आपके जाए तीसरे घर में होगा आपका आपका पूरा फोकस आपकी पूरी तवजो आपकी कोशिशों को बढ़ाने की तरफ अपने कैरियर रोजगार के साथ साथ आप जहनी दबाव से निकलेंगे और हेल्थ के हवाले से अपनी जो है कुछ नई तरफ जो है वो जोहद में आप काम कर सकेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो भी बढ़ेंगी बहन भाई यजो करों के साथ कोई रिलेशनशिप बेहतर होगा और कोई नज़दीकी सफ़र का प्लान भी जो है ये बन सकता है ये यकम इगस्त है यम दो आप इसको जो है देख सकते हैं मरीख और की तसलीस हो रही है दो इगस्त को यह आपके लिए बहुत अहम होगा चूंकि जुपेटर आपके छठे में मौजूद है और मार्स आपके जायचे के दसवें में कैरी रोजगार के हवाले से स्पेशली अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कुछ अहम पेश्स जो हैं वो आपको मिल सकती हैं आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे अपने वर्क प्लेस पर सो तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा अच्छे एम्प्लॉय भी आपको यहाँ पर जो है मिलने के चांसेज हैं अगर आप कोई एम्प्लॉय अपने लिए ढूंढ रहे हैं आपके लिए बेहतरीन जमस्टोन जो है ये जर्द पुखराज है जर्द आप इसको पहन के तो अपने पर्सनल ट्रेड्स को आप कर सकते हैं अपने बहुत सारे मामला को आप जो है बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं सो so, बेहतरीन जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके तो आप अपने लिए स्टोन जो है वो ले सकते हैं एक और अहम तरीन चीज़ वो है आ, सेटन सेटन आपके दूसरे खाना माल का हा कि मैं तीसरे नजीकी सफ़र बेसिक एजुकेशन और चौथे घर में मौजूद है जो कि आपके खानगी मामलों से मुतल है कुछ अखराजा में तेज़ी का सामना भी होगा और कुछ कमी का एहसास भी आपको जो है वो हो सकता है चूँकि खाना माल में प्लूटो रेट्रोग्रेड है और दस चौथे घर में जो है वो सेटो रेटोग्रेट है आ, गाड़ी सवारी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या खानगी मामलात में कोई रिपेयरिंग के काम करवाते हुए आपको पहले अपने बजट को मेनटेन करना होगा और फिर किसी स्टेप को जो है कुछ स्टेप आप ले सकें कुछ अखराजात आपको अपनी फैमिली मैटर्स के ऊपर भी जो है वो खर्च करने पड़ सकते हैं सो इसकी तरफ आपको जो है वो थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि आप अपनी जो बैलेंस शीट है उसको बैलेंस रख सकें इसमें बैलेंस कहीं आउट ना हो और ऐसा ना हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत सारा कुछ हो जाएगा बट होगा स्लो स्लो और थोड़ा सा डिले का मैटर जो है वो साथ चलेगा उम्मीद करता तो इन मालूम की रोशनी में आप अपने लिए जो है इस हफ्ते को बेहतर तौर पर प्लान कर सकेंगे इससे मुस्तिद होइएगा तो अपनी दौ में याद कीजिएगा चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा अल्लाइक मैं हूँ शेख जबर जावा आपका अपना स्ट्रॉलॉजर अहमदरबुज़त की मोहम्मद मोहम्मद दु कैपिकॉन वीकली उसको ट्वेंटी थर्ड जुलाई टू फिफ्थ अगस्त आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा कैपिकॉन से उम्मीद करता हूँ बफज तैरियत से होंगे इस बार आपको आठ दिन की बजाय पंद्रह दिन की वीडियो जो है वो इकट्ठी दी जा रही है जो कि तेईस जुलाई से पाँच अगस्त तक का दौरानिया बन रहा है इस हफ्ते में अहम पेश रफ्तें आपके लिए कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है और कुछ मामला आपके जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ भी जान लें मिला जुला है बट बंदा उस वक़्त जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकता है या उन चीज़ों से बच सकता है जब उसके नॉलेज में हो कि आप कमिंग क्या है बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वेदर रिपोर्ट होती है एक्सपेक्टेड है कि आज बारिश हो सकती कल बारिश होगी और इस कदर बारिश होगी इस टाइम के दौरान होगी बट आलम में कुल तो परवत दिगार की जाता है लेकिन अगर आपको पता हो कि ये टाइम ऐसा है तो आप अपनी कोई जो प्लानिंग्स है उसको कर लेंगे कभी इस ड्यूरेशन में आपको बाहर नहीं जाना या अपना ड्रेस कुछ भी इसी तरह तो इस हफ्ते में जो सबसे पहली पेश हो रही है वो सन के बारे में हो रही है सन जो कि आपके जायचे के सातवें घर में ट्वेंटी थर्ड को अला सुबह आपके जायचे के आठवें घर में चला जाएगा पहली ही खबर इस तरह की आठवें घर का लॉर्ड होते हुए आठवें घर में जाएगा आठवें घर में मजमूरी तौर तो पे तो सन की पोजीशन अच्छी नहीं होती लेकिन अगर ये अपने ही घर में जा रहा है तो मैं ये कहूँगा कि ये कुछ मिले जुले इम्पैक्ट आपको जो है वो देगा सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि अगर आप कोई काम मुश्तरक तौर पे कर रहे थे शाकत दारी में कर रहे थे तो बेहतर प्रॉफिट का असूल आपके लिए जो है वो मुमकिन हो जाएगा इसके बाद अगर आप कोई खातून हैं तो आपके शोहर से आपका हाथ जो है वो खुला रहेगा ये एक और इसका एडवांटेज तीसरी बात अगर कोई वरासती मामला आपके चल रहे थे तो उसमें भी आपको कुछ रिलीफ जो है वो मिल सकता है इंश्योरेंस से मुतल मामला में रिलीफ मिल सकता है बट अगर आपके कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो फिर अब आपको प्रोसिक्यूशन से थोड़ा सा साइड पर रहना चाहिए आपको उसको डिले करना है कम से कम एक महीना जब तक के सन बुज असद से निकल के बुज शुमला में ना चला जाए तो ये थी वो चीज़ें जो आपको एहतियात करने की थोड़ी सी जरूरत होगी इसके अलावा अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल कीजिएगा हाँ आ, कहीं पे अगर आपकी कोई रकम डूब गई हुई थी तो उसके वापस मिलने के इम्कान भी आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे सो ये आपके लिए कुछ मिला जिला ज़्यादातर तो फ़वाद ही आपके लिए आए इसके बाद वीनस ट्वेंटी थर्ड को यहीं पे जो है ये रेटोग्रेट हो जाएगा ये आपके पाँचवें घर का लॉर्ड है और आपके दसवें घर का लॉर्ड है बच्चों की तरफ से लव लाइफ की तरफ से अगर आपको खातून है प्रेगनेंसी है तो उसके हवाले से कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है ठीक इसी तरह कैरियर रोज़गार के मामला भी आपके लिए जहनी दबाव का बायस होंगे लेकिन ये फियर होगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है बट जहन में रखिएगा कि मामला थोड़े से डिले हो रहे हैं थोड़े से पेंडिंग हो रहे हैं ख़राब नहीं हो रहे एट्थ में वीनस की पोजिशन बहुत अच्छी नहीं होती और चे जाए कि आप ये रेट्रोग भी है मैं आपसे कहूँगा मंगनी जैसी तकरीबार से आपको दूर रहना है अगर आप ऑलरेडी इंगेज हैं तो आपको अपनी मंगनी बचाने की कोशिश करनी होगी इसके साथ साथ बच्चों की वजह से कुछ इजाफी अखराज भी आपके सामने आएंगे और बच्चों की वजह से कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती है घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है वो टेंस भी हो सकता है हर जुमे को 600 ग्राम या 6 किलो जितना भी आप अफोर्ड करते हो जितना बड़ा सिस्टम है जितना कुदरतें आपको ताकि उसके मुताबिक सद का देना अपना मामूल बना लीजिए इन शाह आप देखेंगे कि आप परेशानियों से प्रेरेंगे दूसरी बात कैरी रोजगार के हवाले से किसी भी नए और बड़े अहम फैसले से गुरेज करें आपके सीनियर के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है ठीक है इसी तरह खातिन का को जो है वो अपनी मदर इन लॉ की तरफ से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऑलरेडी मरकरी जो कि आपके जाइचे के नामे का लॉर्ड है यानी आपके सिबलिंग्स जो ससुराली हैं उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आपकी ऑलरेडी चल रही थी लेकिन यहाँ पे अब बढ़ेगी लेकिन ये भी सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई को मरकरी जो है वो आठवें घर से निकल के नामे घर में चला जाएगा तो इस तरह मामला जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे अब आप, आपके वही सिबलिंग्स जो हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर होने जो है वो इन शाला स्टार्ट हो जाएंगे जॉब से मुतलका परेशानियों का खत्मा होगा नई जॉब मिलने की उम्मीद कर सकते हैं डेली जो आपकी रूटीन्स रूटीन् उसमें बेहतरी आएगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मूव होंगे अक्सर जो कैपिकॉन्स के लोग हैं ये आप कोशिश करेंगे कि फ़ौर में कोई पाकिस्तान से दूर कहीं जो है कोई जॉब का बंदोबस्त हो जाए वीज़ा वगैरह अप्लाई करना बड़ा अच्छा होगा ज़्यादात मुकत्सा पे उम्र की शादत हासिल करने के लिए भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जॉब के असू में या वीज़ा के असूल में आपका कोई दोस्त आपकी अच्छी हेल्प जो है वो कर सकता है ठीक इसी तरह घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त इसके हवाले से भी कुछ पेशरफ जो है वो मतवक़ होंगी बच्चों का बहुत अहम रोल होगा इसमें और अच्छा इम्प्लॉय मिलने की उम्मीद भी जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं एट द वन गो में मार्स का नाइन्थ हाउस में होना और मरकरी का नाइन्थ हाउस में होना आपके विजम को बहुत ज़्यादा जो है वो करेगा बोल्ड और ब्रेव आप होंगे बट मैं ये कहूँगा कि मजहबी हवाले से किसी भी किस्म की बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा इस्लाम एक भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है अगर हम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखें तो हमें पता चलता है कि किसी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको एम्प्लॉय नहीं किया उसको जो है ना डिप्लॉय नहीं किया गया उसको अपने किरदार से किया गया अपनी गुफ्तार के साथ किरदार को मिला के जो है वो चलाया गया हक़ का पैगाम दिया सच का अगर पैगाम दिया तो सच बोल के दिखाया हक़ पे चल के दिखाया तो फिर इस तरह ये चीज़ें डेवलप हुई ठीक इसी तरह हमें जो है उसाए मोहम्मदी वसल्लम पे जो है वो अमल पैरा होते हुए इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए अब मरकरी चूँकि आपके जायचे के छठे का भी लॉर्ड है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जो है वो इन शह कामयाबी मिल सकती है इसके बाद अगला जो इवेंट होगा वो होगा फुल मून यकम इगस्त को और ये आपके जाए चेहरे दूसरे पार्ट में होगा खान माल में और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मून जो है वो आपके सातवें घर का लॉड है तो फाइनेंस की तरफ आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें आपके जो वर्किंग पार्टनर हैं या आपका लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ मिलके कुछ प्लान करने का मौका मिलेगा कुछ आप ऐसी रूटीन्स बनाएंगे जिसमें आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बेटरमेंट की तरफ है वो लेके जाएंगे ठीक इसी तरह अपने लिबास के ऊपर अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा अच्छा टाइम है एनर्जीज़ आपको भरपूर इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगी मार्स और जुपिटर की ट्राइन ये आपके नामवें और पाँचवें घर का है सबसे बड़ी जो होगा आपका जेन खुलेगा आप खुशबी में आपके इजाफा होगा एजुकेशन सेक्टर स्केल 12 से 14 का हो या आपका हायर एजुकेशन का बेटर उसमें आपको बेहतरी मिलेगी बच्चों के साथ और बच्चों के बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा ये एक बहुत ज़बरदस्त टाइम है आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है दो, दो साहब आपका भरपूर तावन भी आपके शामिल हाल रहेगा आपके लिए बेहतरीन जो स्टोन है वो ब्लू सफायर है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आ, आपका अपना साइन लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेट हो चुका है सेटन और एक लॉन्ग टाइम तक ये ये रेट्रोग्रेड रहता है सो so, इसकी कम होती एनर्जीज़ को आप ब्लू सफायर पहन के यानी नीलम पहन के आप उनको पूरा कर सकते हैं इस तरह पर्सनलिटी ट्रेड्स के मामला आपके नज़दीकी सफ़र आपके बहन भाइयों से रिलेशनशिप आपके माली मामला लोगों में आपका इमेज और आपके कमिटमेंट्स जो हैं वो इन बरकरार रहेंगी बेहतरीन जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जब डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर रबता करके आप अपने लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो एडवाइस भी करवा सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं दुनिया में आप कहीं भी हों ये सर्विसेज आपको अवेल होती हैं उम्मीद करता हूँ इन मालूम की रोशनी में आप अपने हफ्ते को बहुत अच्छे से प्लान कर लेंगे चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुष्ट कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में इससे मुस्तफ होने के बारे में

इस हफ़्ते में काफ़ी अहम पेश्त हैं आपके जाएचे के अहम तरीन स्पॉट पर बड़े प्लानट्स की जो तब्दीली है जिसमें कि सबसे पहला जो है वो सन आता है सन जो कि आपके जाएचे के सातवें घर का लॉर्ड था और छठे घर में रहते हुए ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी मुश्किल का बायस बन रहा था स्पेशली आपके स्पाउस या वर्किंग पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करा ट्वेंटी थर्ड को ये आपके जाए के सातवें घर में ही चला जाएगा इस तरह आपके रिलेशनशिप में एक बेहतरी एक बेटरमेंट के जो है वो उम्मीद हम कर सकते हैं और ये इन बेहतर है बट मैंने ये देखा कि सेवंथ हाउस में नेचुरली चूंकि सन बहुत अच्छा नहीं होता तो रिलेशनशिप में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करता है आपके जो पार्टनर हैं चाहे वो आपका वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो आप देखेंगे कि उसके मिजाज में थोड़ी सी लॉर्डशिप यानी अपनी मर्जी करने की बात अपनी बात मनवाने की चीज़ ये चीज़ जो है वो अब आपको डेवलप होती नज़र आएगी मरकरी यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी वो बड़ी सूझबूझ का जो है वो मुजाहरा कर चुके हैं लेकिन अब ये थोड़ा सा ओवर भी हो सकता है सो so, आपको इस मामले को थोड़ा सा चेक करना है लेकिन देखने की बात तो ये है कि क्या आपको उससे कोई नुकसान पहुंच सकता है? नहीं आपको नुकसान नहीं पहुंचता मुझे नज़र आता सो so, आप अगर अपने मामला को थोड़ा सा डील दें तो थोड़ी सी बर्दाश्त अगर काम लें तो आपका रिलेशनशिप जो है सिक्योर भी होगा और स्ट्रॉग भी होगा सातवें घर का आ, जो आ, सन है चूंकि छठे में था तो आपके कुछ मैंने जैसे कहा कि शाक्ति अजदवाजी मामला में प्रॉब्लम भी सके अब ये ये भी शो करता है कि आपके कोई ख़ानदान के बड़े स्पेशली आपके वालिद जो हैं वो आपके शक्ति अजवाजी मामला में एक पॉजिटिव इंटरफेयर करके तो मामले को बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके जा सकते लेकिन ठीक इसके साथ ही ट्वेंटी को ही चौथे घर का हाकिम से यारा जोहरा जो है वो यहीं पे रेट्रोकेट होगा यानी आपके घर की तरफ से कोई फीमेल जो है वो आपके मामला में कुछ नेगेटिव रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं इस तरह आपके मबैन जो एक सिलसिला डेवलप हो रहा है उसमें थोड़ा सा रखना अंदाजी होने के इम्कान जो है वो मौजूद है कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मामला को इन चीज़ों की भेंट जो है वो ना चढ़ें और ये आप इन चीज़ों से जो है वो बचते हुए थोड़ा सा साइड लाइन से जो गुजर जाए ठीक इसी तरह चूंकि यही वीनस जहाँ पे चौथे घर का हाकिम है आपके नावें घर का भी हाकिम है तो आपके कुछ सुसरालित सिबलिंग्स में से भी यही काम जो है वो भी जो है वो अंजाम दे सकता है ये सारा डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने जायचा पैदाइश के ऊपर कि आपके जायचा पैदाइश में प्लानट्स की पोजिशन क्या है वहाँ पर क्या सचुएशन है कितना स्ट्रॉग है और अगर ये इसी तरह कोई डिस्टर्बेंस हो और ऊपर से मजीद टम्प्रेरी डिस्टर्बेंस भी हो जाए तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख्याल करते कोशिश कीजिए अपने मामला को आप खुद निपटाएँ किसी भी फीमेल को अपने शाखती अर्जवाजी मामला में इंटरफेयर करने से जो है वो आपको रोकना है चाहे वो आपकी अपनी फैमिली से हो चाहे वो आपकी सुरसाल फैमिली से हो छः सौ ग्राम चीनी या छः किलो चीनी का सदका दे के भी आप इन मामला से जो है वो गुरेज कर सकते हैं घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली या खरीदो फरोख्त के हवाले से कोई बड़ा फैसला करने से आपको इस वक्त है ग्रेज़ करना चाहिए ठीक इसी तरह बैरू मुल्क सफ़र और वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के मामला भी आपके लिए जो है वो बहुत अच्छे मुझे रहते नज़र नहीं आ रहे अच्छे जाए कि सिर्फ आ, ये रेट्रोगेट है सेवन्थ पोजिशन अच्छी होती है लेकिन ये रेटोरेट है लियो में है लेकिन थोड़े से डिले और कुछ हर्डल के साथ ये मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ते नजर आते हैं मरकरी जो कि आपके जायच सातवें घर में मौजूद है आठवें घर का लॉर्ड होते हुए ये ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई को आपके जायचे आठवें घर में चला जाएगा ये जो है वो आपके पाँचवें घर का भी लॉर्ड है आठवीं फार्मेशन वैसे तो प्लानिट्स की अच्छी नहीं होती लेकिन अगर कोई प्लानट अपने ही घर में आ जाए और फिर वो मरकरी हो और शफ़ का भी हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल जो है वो साबित हो सकता है मुश्तरक माली मफादा में आपको फ़ायदा मिल सकता है वरास्ती मामला में बेटरमेंट आ सकती है स्पेशली बच्चों के साथ कोई रिलेशनशिप हु या कोई आपकी इंगेजमेंट से मुतल मामला जो हैं उसमें कोई तब्दीलियाँ पॉजिटिव जो है वो मतवक़ होंगी ठीक इसी तरह चूँकि ये आठवां घर है तो आपके इसपाउस का हाथ जो है वो भी खुला रहेगा चाहे वो पैसे आपसे आएँ या उसके अपनी तरफ से आए दोनों तरफ से आपको जाइए मामला मामलाते इनशाला बेहतर रहते हैं मुझे नजर आते हैं अगर कोई इंश्योरेंस से मुतलका मामला थे या और कोई पेंडिंग मामला थे वो बेहतर होंगे कहीं पर कोई डूबी हुई रकम जो है वो आपकी वापस मिलने के इम्कान मौजूद है एक चीज बहुत अहम और अगर आप किसी डिजीज का शिकार थे पुरानी तो यहाँ पे आपको उसके लिए कुछ वे आउट जो है वो मिल सकता है बट आपको अपनी जहनी इस्तेदाद को जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना अपने विज्म को यूज कीजिएगा तो ये आपके लिए इन शह बेटरमेंट के लेके जाएगा इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना भी अच्छा रहेगा कोई तो बड़ा इनाम निकलने के चांसेस मौजूद हैं अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ गिनटी जो है वो होती मुझे नजर आती है पर ज्यादा बेहतर जानता है यकम इगस्त को फुल मून होगा और ये एन आपके जाए फर्स्ट हाउस में होगा बड़े ही कम्फर्ट जोन में जो है वो इनशाला आप रहेंगे स्पेशली अपनी हेल्थ के हवाले से अपनी जॉब के हवाले से आपका पूरा फोकस रहेगा साथ काम करने वाले जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा फिर आ, इसके अलावा अच्छा कोई एम्प्लॉय जो है वो मिल सकता है कोई नई जॉब की ऑफर भी जो है वो आपको मिल सकती है मजबूत तौर पे एक अच्छा टाइम फुल मून आपके आ, फर्स्ट हाउस में स्पेशली स्पेशली हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वहां से निकलने में ये एक और साइन मौजूद है मरकरी के बाद अब इतफाक है कि वो ट्वेंटी नाइन जुलाई है और ये है यकम अगस्त यानी दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं एक प्लान इधर हुआ है तो दूसरे ने भी उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पेक्ट दे के आपको निकलने में इंशाला मदद देगा आपके जायचे के आठवें घर में मौजूद और चौथे घर में मौजूद मुश्तरी और मरीख के दरमियान एक ट्राइन बनेगी ये बनेगी जी दो अगस्त को जुपिटर ये आपको आपकी फाइनेंस के मामला आपके ख्वाशा की तकमील आपके कारोबारी रोज़गार उसमें कुछ तब्दीलियों के जो है वो इशारा मिलता है कुछ नई चीज़ें आप ट्राई करेंगे कुछ पिछली चीज़ों को आप छोड़ेंगे और फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकेगी आपके बहन भाई और सॉरी आपकी जो दो सहबाब हैं वो आपको अच्छी हेल्प जो है वो कर सकेंगे सो ये भी एक आपके लिए कुदरत की तरफ से बेहतर टाइम इन मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे प्रॉपर तरीके से जो है वो मुस्तफ हो सकेंगे आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो नीलम है ब्लू ब्लूसफायर अपने हाथ में पहने ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा चूँकि सेटन ऑलरेडी रेट्रोगेट हो चुका हुआ है और आपके बारहवीं और पहले घर का लॉर्ड है दूसरे घर में भी रेट्रोगेट है तीन हिस्से जो है इसकी एनर्जीज़ को जो है वो कम होने की वजह से मुतासर हो रहे हैं ये एनर्जीज आप नीलम पहन के जो है वो पूरी कर सकते हैं बेहतरीन जमसोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जवा डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपनी कर लिए स्टोन जो है वो आप मंगवा भी सकते हैं और एडवाइस भी मंगवा सकते हैं जैसे मैं बताता हूँ ये जनरल होता है इंडिविजुअल आपके लिए किसी खास मकसद के लिए स्टोन है तो वो आपके जायचे से भी देख के आपको बताया जा सकता है कि भाई स्पेसिफ़िक इंडिविजुअली आपके लिए ये स्टोन इस इस काम के लिए जो है वो बेहतर है फिर हम उसके पूरा गाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्टोन किस दिन किस टाइम किस फिंगर में जो है वो वेयर करना है कितने वजन का स्टोन हो जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो उम्मीद करता हूँ इन तमाम बातों की रोशनी में आप अपने हफ्ते को बहुत अच्छा से प्लान कर सकेंगे इससे मुस्तफ रही तो मुझे मेरी फैमिली को मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआ कीजिएगा इजाज़त जाऊंगा दोबारा हमारे चैनल पर आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा अस्सलाम वालेकुम मैं हूं शेख जबारजा जावा आपका अपना इज्जत की स्ट्रॉलॉजर सलाम मोहम्मद वाले महमदी पाइसिस वीकली और इसको ट्वेंटी थर्ड जुलाई टू फिफ्थ अगस्त आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा पाइसिस इस बार आपको एक हफ्ते की बजाय दो हफ्ते की जो है वो वीडियो दी जा रही है उम्मीद करता हूँ आप इससे मुस्तफ होंगे और हमेशा की तरह बिल्कुल प्रोग्राम यही होता है कि हर बार के आपको बेहतरीन गाइड किया जाए आपको आने वाली सिचुएशन जो हैं जो प्लैनेट्स की वजह से बन रही हैं उससे आगाह किया जाए और साथ साथ जो कि प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी भी आपको बताता चला जाओ इस हफ्ते में जो पहली तब्दीली आ रही है वो आ रही है ट्वेंटी थर्ड जुलाई को अला सुबह सन जो है वो जाहिर के चौथ पाँचवें घर से निकल के छठे घर में लेकिन अपने ही बुज में आ जाएगा सेहत में बेहतरी आपको मिलेगी जॉब अच्छी बेहतर का हसूल जो है वो आपके लिए मुमकिन होगा साथ काम करने वाले कॉपरेट करेंगे और इसके अलावा जिसको हम कहते हैं कि आपकी लिए लेकिन कुछ ज़ाहरी मुखालफों का रास्ता जो है वो खुलेगा कुछ लोग जो है वो आपके फ्रंट फेस पे आके जो है वो मुखालफत करते मुझे नज़र आते हैं मजमुई तौर तो पे छठे घर में अगर सन uh, हो तो ये वालिद के साथ भी कुछ आर्गूमेंट्स जो हैं वो आपके हो सकती हैं उनकी वजह से कुछ बाउंड्रीज़ जो है वो आपके राउंड दी जा सकती हैं कि भाई आपको इन पैरामीटर्स का जो है वो ख्याल करना है इससे बाहर आप नहीं जा सकते अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैं देखूँ तो ये भी बताता है कि आप अपनी जो एनमीज़ हैं उनको बाय फोर्स दबाने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अहम है सेटन जो कि आपके जाए चुके ग्यारहवें और बारहवें घर का लॉर्ड है जो कि लाशोर से मुतलिक है आपके गोल्स आपके बहन भाई आपके दोस्त फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी ये यहाँ पे रेट्रोगेट है ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपको माइंड के कुछ मुश्किल का सामना करना पड़े अपनी ज़ात को डिफेंड करते हुए और कुछ आप दोस्तों से आपको मदद जो आपको मिल जाती थी वो मिलनी थोड़ी सी मुश्किल होगी दूसरी तरफ आपका अपना रूलिंग प्लान जो है वो जुपिटर जायचे के तीसरे घर में मौजूद है आपकी स्पीच के मामला तो और सातवें घर में मार्स इनकी ट्राइन बनेगी तो ये ये चीज़ बताती है कि भैया आपको कुछ सपोर्ट भी मिल सके या बाई फोर्स भी कुछ चीज़ों को दबा सके आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को अपने दीगर जो आपके करीबी हैं उनको इन्वॉल्व करके मामले को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे नजदीकी सफरों का आपको मौका जो है वो भी मिलेगा ठीक इसी तरह चूँकि ये आपके खाना माल का भी लॉर्ड है मार्स और इसके अलावा आपके जायचे के नावें घर का भी लॉर्ड है तो स्परिचुअलिटी की तरफ भी तवज्जो रहेगी रहे के साथ मेल मिलाप भी अच्छा रहेगा और आपकी फाइनेंशियल जो गिटी है वो भी चलेगी लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी कोशिशों के ऊपर जितनी कोशिश करेंगे उसी हिसाब से इंशाल्लाह आपको ये मामला भी बेहतर होते चले जाएंगे चौथे घर का हाकिम मरकरी या आपके जायचे के छठे सातवें घर का भी हाकिम है ये छठे घर में मौजूद था ट्वेंटी नाइन्थ को यह आपके जायचे के सातवें घर में आ जाएगा इसका सातवें घर में आना आपकी के याद के साथ आपका रिलेशनशिप में बेटरमेंट लेके आएगा घर के मामला आपके बेहतर होंगे फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली या ख़रीद फरोख के मामला जो हैं वो भी जरूर गोर आएंगे और सबसे अच्छी बात फैमिली में से कोई आपको पार्टनरशिप की जो है वो ऑफ़र कर सकता है आ, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा इस हवाले से भी कि आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगा और आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत आगे की तरफ जाए वो बढ़ते मुझे नज़र आते हैं ट्वेंटी जुलाई को ही वीनस जो कि आपके छठे घर में ही मौजूद है इसका ये रिजत में चला जाएगा इस तरह जो एक थोड़ी सी मुखालफत बहन भाइयों की तरफ से जो है वो आपके सामने आ सकती थी उसमें कमी वाक्य होगी लेकिन अब आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चूंकि आठवें घर का लॉर्ड होते हुए वीनस जो है वो छठे घर में रेट्रोगेट है और कुछ अगर मुश्तरक तौर पर आप काम कर रहे हैं तो मुश्तरक माली मफाद के हवाले से आपको कुछ प्रॉब्लम होंगी स्पाउस से मिलने वाला जो आपको बेनिफिट्स थे उसमें भी थोड़ी सी आपको रुकावट का सामना रहेगा हर जुमे को छः सौ ग्राम या 6 किलो चीनी अपने सिस्टम के मुताबिक अपने वर्थ के मुताबिक अपने हजम के मुताबिक यानी आपने अल्लाह ने कितना दिया कितना बड़ा सिस्टम है उसके मुताबिक जो है वो सदका देना अपना मामूल बनाइए ये सदका आपको चार सेप्टेम्बर तक देना है यहाँ तक आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है आ, फुल मून होगा यकम एगस्को के बारहवीं घर में आपका पूरा फोकस आपकी इंट्यूशंस आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होंगी ये एक अच्छा टाइम होगा आपका आपका फोकस होगा जो आपके स्पिरिचुअलिटी से मुतलका मामला हैं वो आपने जो पीछे नॉलेज गेन किए हैं बच्चों की वजह से कुछ जो है वो आप कम्फर्ट जोन में जाएंगे फुल मून है ये स्पेशली मैं ये कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी के मामला को आपके जो है वो डेवलप करेगा एक से ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं और उसके लिए कहीं आप अक्सान से बाहर कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प जो है वो मिल सकती है जुप्टर मैंने जैसे कि बताया ये आपके जाएचे के पहले और उसके अलावा दसवें घर का भी लॉर्ड है और इसकी जो आ, ट्राइन बनेगी वो मार्स के साथ वो आपकी कोशिशों में कामयाबी को और आपकी करेज को जो है वो भी शो करिए आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा जो है मुस्तद हो जाएंगे आप कोई नज़दीकी सफ़र भी कर सकते हैं और सफ़र आपके लिए वसीले ज़फ़र साबित होंगे इस हवाले से ये बड़ा अच्छा टाइम होगा ठीक इसी तरह आपके जो सोसालीजो का रब है उनके साथ रिलेशनशिप में भी बे बेटरमेंट आपको मिलेगी आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे ये आपके लिए अच्छा टाइम जो है वो इन शाह साबित होगा सो मजुई तौर पर यह आपके लिए एक मिला जुला याफ्ता है मजीद इसको बेहतर आप अपने आप प्लान को मद्देनजर रखते हुए जो है कुछ प्लान कर लें तो आप इसको मजीद बेहतर जो है वो बना सकते हैं आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो एमरल्ट जमरद है और जरद पुखराज है इस वक्त आपके लिए दोनों स्टोन बहुत जबरदस्त रहेंगे बेहतरीन जेम स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जावाजम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने लिए हासिल कर सकते हैं चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगा कीजिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला होता है